हाय दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा वीडियो सीरीज बायोटेक्निक्स एक्सप्लेन्ड इन 10 मिनट्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कोई बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टेक्निक 10 मिनट के भीतर। तो अगर आप सीएसआई या यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाय द वे, मैं अनअकैडमी में भी क्लास देता हूँ, तो मेरा अनअकैडमी कोर्स को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरा रेफरल कोड AP10 से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो अगर आप CSIR या UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और यूनिट 13 के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हो, देन मेथड्स इन बायोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टेक्निक होगा आज का डिस्कशन टॉपिक, जो कि सर्कुलर डाइक्रोइज्म है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं बोलता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू व्यूअर हो, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक टॉपिक है और हम लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म होता क्या है। तो जैसे कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन होता है सैंपल के द्वारा और उसके बाद सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलता है, राइट। सो सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी लाइट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एक ये जो लाइट है ये नॉर्मल लाइट नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का लाइट है, ठीक है। तो ये जो लाइट है ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। हम लोग जानेंगे सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या है, बट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है इसका, कि डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज लाइट के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो यही इस पर्टिकुलर टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के बारे में अगर आपको पता करना हो, ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी एंगल से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है CSIR, नेट, IIT, जैम या फिर गेट में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए ये पर्टिकुलर टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं ये सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर होता क्या है। तो उसका अंदर के पार्ट्स को देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे ताकि हम लोगों को ये प्रिंसिपल और भी अच्छे से समझ जाए। तो अंदर क्या होगा, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर होगा लाइट सोर्स, तो ये लाइट सोर्स से लाइट आएगा, उसके बाद होगा फिल्टर व्हील, पोलराइजर, क्वार्टर फेस प्लेट एंड देन देयर इज अ क्यूवेट। क्यूवेट होगा अपना सैंपल होल्डर जहां पे अपना सैंपल हम लोग डालेंगे और अल्टीमेटली एक डिटेक्टर वो ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करेगा, जैसे हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी हम लोगों ने देखा है। तो लाइट लाइट सोर्स से निकल के फिल्टर व्हील होके निकलेगा। जब फिल्टर व्हील होके लाइट निकलता है तब कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का ही निकलता है, राइट। अभी जब ये पोलराइजर से पास होगा देन ये लाइट जो कि अनपोलराइज्ड है अभी, वो पोलराइज्ड हो जाएगा, राइट। मतलब उसका फील्ड वेक्टर्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते रहेंगे। अभी ये पोलराइज्ड लाइट जब क्वार्टर फेस प्लेट से पास करेगा तब वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे सर्कुलरली पोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट का डिफरेंसेस क्या है और कैसे ये होता है, तो हम उसके लिए प्लीज टेस्ट ट्यून टू द एंड ऑफ द वीडियो। बट आफ्टर ऑल क्या होता है, ये जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट अपना सैंपल क्यूवेट में जाता है और सैंपल क्या करता है, ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट को डिफरेंशियली एब्जॉर्ब करता है। डिफरेंशियली एब्जॉर्ब करना क्या होता है वो भी हम समझेंगे। अल्टीमेटली जो लाइट ट्रांसमिट होता है वो लाइट डिटेक्टेड हो जाता है एक डिटेक्टर में। Most of the cases, these detectors are PMTs, photomultiplier tube. तो अभी हम electromagnetic radiation के बारे में सोचते हैं। कोई भी एक electromagnetic wave हो, तो वो उसका दो component होता है, right? एक electrical field vector, एक magnetic field vector, जो एक दूसरे के साथ perpendicularly oscillate करता है और also they are perpendicular to the direction of propagation, right? तो ये हमको पता है। तो अभी polarized light का भी काफ़ी सादा ज़्यादा लाइक डिफरेंसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइज लाइट भी जनरेट हो सकता है। जैसे यहाँ पे तीन एग्जांपल दिया गया है, लीनियर पोलराइज, सर्कुलर पोलराइज एंड इलिप्टिकल पोलराइज लाइट का एग्जांपल्स दिया गया है। तो सर्कुलर पोलराइज जनरेट कैसे होता है, आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो एक क्वार्टर फेस प्लेट के साइड से और ये क्वार्टर फेस प्लेट में क्या होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लीनियरली पोलराइज लाइट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करता है इन वन प्लेन, दैट इज लीनियरली पोलराइज लाइट। अभी क्वार्टर फेस प्लेट के आर पार होने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा अपना डिरेक्शन ड्यूरिंग द प्रोपगेशन। जब भी वो प्रोपगेट करेगा वो वेव, तब भी इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो जाएगा।
अभी डायरेक्शन का चेंज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसका डिफरेंट नाम दिया जाएगा। तो यही होता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट। सो सर्कुलरली पोलराइज लाइट ऑकर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर रोटेट्स अबाउट इट्स प्रोपगेशन डायरेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है ये रोटेट करता है अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के रिस्पेक्ट में। तो डेफिनेटली अगर वो क्लॉकवाइज प्रोपगेट करेगा तो वो सर्कुलर राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगा, वो काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपगेट करेगा तो वो लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगा। अभी लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट और राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, जिसको मैं LCP और RCP बोलूंगा अभी के लिए, ये LCP और RCP को सैंपल डिफरेंशियली एब्जॉर्ब करता है। मतलब दोनों LCP और RCP का एब्जॉर्बेंस डिफरेंट है। तो अगर हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ के सोचे, हम लोगों ने देखा था कि एब्जॉर्बेंस इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल इनटू पाथ लेंथ, राइट। तो यहां पे जो एब्जॉर्बेंस होगा वो एक चेंज इन एब्जॉर्बेंस होगा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मतलब लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट और राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट को तो डिफरेंशियली एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका डिफरेंस होगा हमारा डेल्टा चेंज इन एब्जॉर्बेंस। एंड ये डेल्टा चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस किसके साथ प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है अपना मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट का एक अंतर मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के ऊपर। सभी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम लोगों को एजम्पशन करना है कि यहाँ पे मोलर कोएफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट फॉर लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट दो अलग अलग होगा, राइट। तो इसीलिए ये क्वांटिटी को ऐसे लिखा गया है। और इसका जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म। सो एक्चुअली मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म और थीटा, इसका एक जो वैल्यू है वो है एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई दिस डेल्टा चेंज इन द मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ LCP एंड RCP। तो रफली ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये एब्जॉर्बेंस का फॉर्मेट जो दिख रहा है, इट इज रफली सिमिलर टू द बियर लैम्बर्ट लॉ। लेकिन इससे हम लोगों का इन्फॉर्मेशन क्या मिल सकता है? डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल ही सकता है, लेकिन सर्कुलर डाइक्रोइज्म का जो स्पेक्ट्रा होता है उसको देख के बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। पहले उसका स्पेक्ट्रा को देखते हैं। तो अगर स्पेसिफिक अल्फा हेलिक्स के लिए उसका स्पेक्ट्रा एक टाइप का होगा, बीटा शीट के लिए एक डिफाइंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा होगा, रैंडम कॉइल्स के लिए भी एक डिफाइंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा होगा। सो डेफिनेटली ये क्या है, ये एक प्रोटीन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चरल मोटिव्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल मोटिव्स का एक सिग्नेचर है। मतलब अल्फा हेलिक्स का सिग्नेचर कैसा होगा? ऐसे लाल जैसे दिया गया है। बीटा शीट का कैसा होगा? वो भी एक सिग्नेचर है, राइट। तो इसी टेक्निक को यूज करके हम काफी सारा चीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। उसको छोड़ के भी मानो कि आपने pH चेंज कर दिया या सॉल्वेंट का टेम्परेचर चेंज कर दिया, ये सब चेंज कर दिया, उसके वजह से स्ट्रक्चरल क्या चेंज होता है एट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेवल, अगर वो आपको समझना है तो ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट। तो प्रोटीन फोल्डिंग अनफोल्डिंग ऐसे रिस्पॉन्स को जानने के लिए, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे पर्टर्ब होता है वो सब जानने के लिए भी ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है। मानो आपने एक लिगैंड ले लिया और लिगैंड बाइंड होते ही कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चरल लेवल पे कुछ चेंज हुआ कि नहीं वो सब जानने के लिए सर्कुलर डाइक्रोइज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होगा, राइट। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग पता करते हैं। तो मान लो ये एक पर्टिकुलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा है, जो कि मतलब जेनेरिक स्पेक्ट्रा है, मतलब दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड वन, अ स्टैंडर्ड कर्व, ओके। तो अभी आपने एक प्रोटीन लिया और उस प्रोटीन का सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा निकाला, तो अभी वो सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि येलो डॉटेड लाइन जैसे दिख रहा है, राइट। तो आपको क्या पता चलेगा, ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा से आपको जो पता चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में ज्यादा से ज्यादा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स है। मानो और एक प्रोटीन ले लिया, उसका हम लोगों ने सर्कुलर CD स्पेक्ट्रा निकाला और उसका स्पेक्ट्रा कुछ लगभग ऐसे आया, तो इसमें क्या कंक्लूजन है? इसमें अल्फा हेलिक्स से ज्यादा बीटा प्लेटेड शीट ज्यादा अमाउंट में है। तो ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है। नॉट ओनली दीज काइंड ऑफ थिंग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट कंडीशंस में कैसे चेंज हो रहा है वो भी हमको बहुत ही अहम जानकारी दे सकता है अबाउट कोई इफेक्ट ऑफ pH चेंज और टेम्परेचर चेंज और मे बी सम सॉल्वेंट चेंज, ये सब के बारे में। तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा एज अ समरी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है,
जो हमको प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और ये IIT जैम, CSIR, UGC नेट और गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है बायोफिजिक्स के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्रेस द आई बटन इसका रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और रिलेटेड प्लेलिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। प्लीज हिट दैट आई बटन। थैंक यू गाइज़।